हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लाई हूँ वो हमारे किचन में हमारे काम को आसान कर देगा। तो मैं लेके आई हूँ कुछ टिप्स ट्रिक्स ऐसे जो हमें हमारे काम में सहूलियत कर देगा, आसानी कर देगा। एंड आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति, स्वागत है आपका स्वाति's Last रसोई में। फर्स्ट स्टेप जो है वो बचे हुए दाल की है। अक्सर हमारे यहाँ दाल बच जाती है, हम अगले दिन उसे लोग खाना नहीं चाहते हैं, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो जो बची हुई दाल है उसको पहले हम एक बार मिक्सी में चला लेंगे। आप चाहे तो उसे नहीं भी चला सकते, लेकिन मैं इसे चला रही हूँ। तो मैंने इसे डाल दिया है मिक्सी के जार में और इसे एक बार चला लेती हूँ। तो ये पिस गई है दाल। अब इसे हम डाल देते हैं एक बर्तन में जिसमें हम आटा लगाएंगे। इसमें मैंने डाल दिया दाल। अब इसमें हम डालेंगे आटा। आटा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसमें हम ऊपर से पानी हमें नहीं मिलाना है। इसमें एक कप में ली हूँ, अभी देखेंगे हमें कितना आटा में ये सारे दाल एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एक कप हमें कम पड़ रहा है तो मैं थोड़ा और डाल लूँगी इसमें। तो आपको ये चेक करना है कि कितने में ये आटा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होके इसमें लग जाता है। आधा कप मैंने और डाला है और इसे थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कसूरी मेथी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, मगर ये इस रोटी का, ये पराठा जो भी आप इससे बनाओगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है। अब हम इसे यूँ गूंदना शुरू करेंगे। अगर आटा कम लगेगा हमें तो हम इसमें थोड़ा आटा और मिला लेंगे। थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और डाल ले रही हूँ और इस तरह से करते हुए हम एक अच्छा सा इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। तो ये गूंद गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी लगा के इसे 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ देंगे। इस तरह से आप कर लें और 10 मिनट इसे रख दें। 10 मिनट रेस्ट के बाद आप इसके पराठे बना लो या फिर रोटियां बना लो। बचे हुए दाल कहीं जरूरी नहीं है कि आप हर बार बनाए। बहुत बार बच्चा दाल नहीं खाना चाहता है तो भी आप इस तरह से करके उसे बना के दे सकते हैं। तो इस तरह से आप पराठा बना लो इसका। नेक्स्ट टिप जो है वो है हमारे मिक्सी की सफाई को लेकर। उसके लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक स्क्रॉच ब्राइट ले लेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा कोई भी टूथपेस्ट ले लेंगे और इससे पूरी अच्छी तरह से इसके पूरे बॉडी पे इस तरह से करके इस तरह से हमें सारे बॉडी पे से रब कर देना है बहुत बढ़िया से। अंदर सफाई करने के लिए एक पुराने किसी टूथब्रश में ले लें फिर उसे लगाएं। आपको कुछ ज़्यादा ही गंदा दिख रहा होगा ये, क्योंकि मैंने इसे सफाई कुछ दिनों से नहीं की है क्योंकि मुझे इसका वीडियो बनाना था। तब इसमें भी हम इसी तरह से लगा के साफ कर लेंगे। इस तरह से यूँ रगड़ लेंगे पहले इस पर अच्छी तरह से, और जो ये जहाँ टूथब्रश नहीं पहुँच पाए वहाँ पर आप इस तरह से ईयरबड का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से सारी गंदगी निकल जाएगी आपकी। तो इस तरह से हमें कर लेना है। आप चाहो तो बीच में थोड़ा इसे स्क्रॉच ब्राइट को गीला कर लो और उससे फिर अच्छी तरह से और रगड़ लो। इस तरह से हम अच्छी तरह से रगड़ लेंगे जहाँ पे आपको
स्क्रॉच बाइट पहुंच जाए वहां पे इसे पहुंचा लो, नहीं तो टूथब्रश डाल लो ये अंदर वाली गंदगी के लिए। इस तरह से करने के बाद हम फिर गीले कपड़ों से इसे पोछेंगे और फिर सूखे कपड़े से। तो इस तरह से हमें इसे गीले कपड़ों से पोछ लेना है। देखिए हो गया बिल्कुल चकाचक नए मिक्सी जैसा बिल्कुल ये लग रहा है। तो इस तरह से आप महीने में दो महीने पे एक बार जरूर सफाई कर लें। नेक्स्ट टिप जो है वो है फ्रेश क्रीम को लेके। आप बहुत सी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है फ्रेश क्रीम की, तो उसको अगर आपको घर में बनाना है झटपट से ज़रूरत पड़ गई है तो आप क्या करोगे, पहले बर्तन ले लो, उसके ऊपर एक स्ट्रेनर रखो और जितनी भी फ्रेश क्रीम आपको चाहिए, तो जो मलाई आप घर में खट्टी करते हो ना घी बनाने के लिए, उसको आप सिंपली स्ट्रेनर पे डालो जितनी आपको आवश्यकता है, इसमें डाल दो और उसे इस तरह से करके चलाते हुए स्टेन कर लो। इस तरह से कोई लम्स नहीं रहेगा, कोई अगर गंदगी वगैरह होगा तो वो भी निकल जाएगा। लीजिए हमारा फ्रेश क्रीम बिल्कुल मार्केट जैसा रेडी हो गया। इसे आपकी जो भी सब्जी आपको बनानी है या जिस चीज़ में भी आपको इसकी ज़रूरत है आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। कभी अगर बर्तन जल जाए तो उसको किस तरह से साफ़ किया जाए बहुत मुश्किल होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बर्तन जल गया है उसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद उसमें हम डालेंगे एक टुकड़ा नींबू का और उसे जला के हम लगभग 10 मिनट तक इसमें पानी को बॉयल होने देंगे। इस तरह से हमें इसे लगभग 10 मिनट हला लेना है। 10 मिनट लगभग इसे बॉयल करने के बाद हम डिश वॉशर इसमें डाल के इसे हम साफ कर लेंगे, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसमें डिश वॉशर डालेंगे और इसे हम मांजेंगे। इस तरह से करके साफ हो गया। देखिए हो गया ये बिल्कुल चकाचक। प्लास्टिक की इस तरह की बोतलें या फिर फ्लास्क में बहुत बारी बदबू आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, आधा चम्मच में डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, उसी चम्मच से मैं आधा चम्मच डिश वॉशर डाल रही हूँ और साथ ही मैं डालूंगी इसमें गर्म पानी। गर्म पानी डाल के आप इसे शेक करके इसे 10-15 मिनट यूं ही रहने देंगे। 15-20 मिनट बाद हम इसे इस तरह से धो लेंगे, इसका पानी फेंक के हम इसको फ्रेश पानी से 3-4 बारी धो लेंगे। तो इस तरह से इसे हम पानी से धो के इसे फिर हम उल्टा करके रख देंगे सूखने के लिए। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं फ्लास्क भी हम साफ कर लेंगे, ये भी मैं दे दी थी साथ में ही, इसे भी बिल्कुल उसी तरह से हम साफ कर लेंगे, बिल्कुल बदबू नहीं रहेगी। फिर इसको सूखने देने से पहले एक बार आरओ के पानी से या जो भी आप पानी पीते हो उससे एक बार ज़रूर से वॉश कर लें, फिर इसे सूखने दे दें। नेक्स्ट टिप जो है वो है मूंगफली को भूनने को लेकर। हमें बहुत बारी मूंगफली, ड्राई रोस्टेड मूंगफली चाहिए होती है और वो भी बगैर छिलकों के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से पहले एक कटोरी में मूंगफली ले लेंगे, इसमें हम एक चम्मच के आसपास पानी मिला के इसे हल्का सा गीला कर लेंगे और फिर हम इसे जिस पैन में भी हमें भूनना है उसमें हम इसे भून लेंगे। तो इसमें बहुत आसानी से हमारा छिलका जो है वो निकल जाता है। तो हम डाल रहे हैं इसे एक पैन में, इसे हम भून लेंगे।
जब तक कि इससे चटकने की आवाज ना आनी शुरू हो जाए। तो इस तरह से पानी डाल के जब आप ड्राई रोस्ट करोगे तो आसानी से उसका छिलका निकल जाता है। एक बार आप यूं करोगे देखो निकल गया, बल्कि बहुत बारी तो भूनते गर्म है ये, भूनते भूनते ही इसका छिलका निकलने लग जाता है। देखो आराम से ये छिलका उतर जाता है। तो ये ट्रिक जरूर ट्राई कीजिएगा। चाय की छन्नी में अक्सर छानने के बाद चाय की पत्ती इसके छेद में रह जाती है, जिसकी वजह से ये काला सा पड़ जाता है। तो इसको किस तरह से हटाते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। गैस जलाएंगे आप और उस पर रख के आप इस तरह से यूँ घुमा घुमा के जिस तरफ में पत्तियाँ उसके छेद में चली गई हैं उसको इस तरह से कर लेंगे। एक पंजेंट सा स्मेल आएगा आपको, और ये जितने भी इसमें काले पड़े हैं वो फ्यूम्स बन के निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपको इसे फ्लेम के ऊपर कर लेना है। इसे आग में रखने के बाद हम पानी से धो लेंगे इस तरह से। हो गई है बिल्कुल साफ, इसमें अब कहीं पे ब्लॉकेज नहीं है। नेक्स्ट टिप है करेले का कड़वापन किस तरह से दूर किया जाए। तो इसे करने के लिए हम पहले काट लेंगे धो के, फिर इसमें हम डाल देंगे 1.5 चम्मच नमक, और इसे मिला के आप 15 से 20 मिनट ढक के इसे रख देंगे। अरे 20 मिनट हो गए हैं इसे नमक में डाल के रखे हुए। देखिए ये थोड़ा थोड़ा से पानी निकल चुका है इससे। हम इसे एक बार पानी से धो लेंगे, धोने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं आपको जैसी सब्जी बनानी हो उस तरह की। तो ये मैं धो के ले आई हूँ। अब आप इससे कोई भी सब्जी बनाएंगे तो उसमें इसका कड़वापन नहीं रहेगा। तो आई होप कि आज की बताई हुई वीडियो में आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए हो। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।